ओके जी, अभी मैं जो है ना वो इंटेस्टाइनल निमेटोड ट्रैग्यूरस ट्राइक्यूरा के बारे में जो है ना वो बता रहा हूँ। इसको हमने जो है क्या नाम दिया था, मैंने कहा था छड़ी के साथ जो है ना वो टांगे को मारना है, ठीक है। टांगे को जो है ना वो छड़ी के साथ, टी से टांगा होता है तो टांगे को छड़ी के साथ मारना, मतलब विप जो होता है ना वो वर्म इसको कहते हैं, कूड़े जिसे हम कहते हैं ना वो। ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड थ्रू एग, और जो एग जो है कंटामिनेटेड जो होता है ना, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ यार ताकि आपका टाइम ही ना जाए। कंटामिनेटेड जो होता है ना फूड प्लस वाटर के ज़रिए जो है ना वो एग जो होते हैं ना इसके टीटी के, ठीक है, वो क्या करता है हमारे पास फीको ओरल रूट के ज़रिए, सेम वही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया। जल्दी मैं लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, आप साथ साथ सुन लें मेरी बात, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से फिर चेंज होता है इनटू फ्रॉम इमेच्योर फॉर्म ऑफ लार्वा जो होता है ना वो मेच्योर फॉर्म में चेंज होता है। अभी यहाँ पे जो एग से रिलीज हुआ था वो इंटेस्टाइन में हैचिंग हुई तो वो इमेच्योर था, ठीक है। इमेच्योर जो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मेच्योर फॉर्म के अंदर, सिंपल हो गया। अब ये मेच्योर फॉर्म जो होता है ना वो कहाँ पे जाएगी, हमारे पास ये कोलोन के अंदर जाएगी, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, एग्स जो होते हैं ना वो रिलीज होंगे कोलोन के अंदर दोबारा से, ठीक है। मतलब कि वही जो एग अभी फीको और रूट से स्मॉल इंटेस्टाइन से कोलोन तक गई है, तो वो एग जो होता है ना वो रिलीज़ करेंगे और वो कम आउट इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ से इस सिंपल वर्ड में सुनो, एग आया फीको ओरल रूट से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एसिडिटी सी उसकी वजह से एग की हैचिंग होगी, हैचिंग की वजह से जो लार्वा था ना वो इमेच्योर से जो है ना वो मेच्योर हो गया। अब वो कोलोन के अंदर आके दोबारा वो अपनी एग वाली फार्म के अंदर आ गया और वो फिर दोबारा उसने लाइफ साइकिल में कंप्लीट किया, इन्वायरमेंट से फीसिस के अंदर आया, फीसिस से वो दोबारा जो है ना यहाँ पर चला जाएगा, बस इतना सा डायग्राम। अब इसके जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट बात है ना, टीटी मतलब टांगे में, देखा आपने घोड़े को देखा है आपने, ठीक है। तो अगर आपको अगर आप किसी भी गए हो ना वेटरनरी वाले हॉस्पिटल के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वो घोड़े की रेक्टम जो होता है ना वो नज़र आ रही होती है, तो वहीं से याद कर लें कि टांगे से याद कर लें कि ऐसे में ना बच्चों को रेक्टल जो होता है ना वो प्रोलैप्स हो जाती है, बस ये भी एक एमसीक्यूज है। मतलब पूरा इतना बड़ा क्लिनिकल लिखा होगा, एक लफ्ज़ आपने देखना है रेक्टल प्रोलैप्स, तो आपने टीटी के ऊपर जाना है ट्रैंक्यूस ट्रैक्यूरा में, ठीक है। तो ये रेक्टल प्रोलैप्स जो होता है ना वो करवा देता है। अच्छा, एग की जो थोड़ी सी बात मैं बता दूँ जो पूछते हैं एग्जामिनर, तो आपने बताना कि बैरल शेप मतलब घोड़े के ऊपर जो है ना वो टांगे के ऊपर क्या है वो ढोल वाला भी एक बैठा होता है और वो दूल्हे को लेके जाता है। तो मैंने वहाँ से याद की जो ये डैरल शेप जो होते हैं ना इसके एग होते हैं, कभी कभार क्लिनिकल में ये आता है कि हमने देखा है कि उसके बैरल शेप डैग हैं, तो फिर बताओ। और इसके अलावा इसके एग के ऊपर जो होता है ना वो दो म्यूकस प्लग्स होते हैं, ठीक है, म्यूकस प्लग्स होते हैं दोनों एंड्स के ऊपर। मतलब ये इसका अगर यार बैरल शेप, एक तो अपने ढोल की तरह बना देना, ये यूं करके होता है ना ढोल, और ऊपर दोनों ढोल दोनों साइडों से बांध होता है, तो वहाँ पे आपने कहना है तो यहाँ पे भी म्यूकस प्लग लगा हुआ है, यहाँ पे म्यूकस प्लग, दरमियान में आपने क्या डाल देना है इसका, सिंपल वही इसका जो एम्ब्रियो है ना वो या लार्वा जो भी कर लें आप, ठीक है, दो एग के अंदर वो सारे का सारा डाल के, तो आपने ये लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देना, ये बिल्कुल ईजी था। डायग्नोसिस में आपने क्या करना है, सेम वही, क्योंकि ये फीसिस के अंदर आ रहा है तो स्टूल एग्जामिनेशन आपने कर लेनी है लाइट माइक्रोस्कोपी के ज़रिए, तो आप देखेंगे तो आपको सारे का सारा नज़र आ जाएगा। होप सो ये इसका लाइफ साइकिल आपको क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना लास्ट वीडियो इंशाल्लाह बनेगी ट्रैंकुलस मेडिनेसिस के ऊपर, तो मैं बता के आपको ये पैरासाइटोलॉजी कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आ जाए जल्दी से, आ जाए जल्दी।